चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसके मतलब मैंने राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये जो रिजल्ट इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर दूं, पहले जो स्पीड हमने दिया था उस मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैं डबल कर दिया, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो रेडियस अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो रेडियस की वैल्यू एम बी ओवर क्यू बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लो कि अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली रेडियस की वैल्यू इतनी होती है। अब इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के। अब इसका मतलब वेलोसिटी डबल कर दोगे तो आर टू अपॉन आर वन दैट इज वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। तो रेडियस अगर आर टू, पहले रेडियस आर था और पहले रेडियस आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू टू थी, और ये आ जाएगा स्पीड टू टाइम्स कर दिए वेलोसिटी वी, तो वी ने वी को ख़त्म कर दिया, तो आर टू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी डबल करोगे तो रेडियस बढ़ेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर से अधिक ही सोल्यूशन सही होगा। ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, और ये भी कभी सही नहीं हो सकता, और ये सही है, ठीक है। मतलब बिना फार्मूला लगाए भी ऐसे प्रॉब्लम को कर सकते हो।